अखिल भारत हिंदू महासभा ने किसानों की समस्याओं के समाधान को लेकर जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। कचहरी परिसर स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर दर्जनों की तादाद में अखिल भारत हिंदू महासभा के बैनर तले कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र वर्मा के नेतृत्व में जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम किसानों की समस्याओं के समाधान को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन के दौरान मांग की गई कि किसान देश के अन्नदाता हैं, यदि किसान खुशहाल है तो देश खुशहाल होगा। किसानों की समस्याओं का समाधान करना सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है। किसानों के प्रमुख नेताओं को बुलाकर उनकी समस्याओं का समाधान करें, क्योंकि कुछ राजनीतिक पार्टियां अपने स्वार्थ के लिए किसान आंदोलन का फायदा उठाकर अपना राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं, जिसे सरकार को रोकना होगा। हम सरकार से मांग करते हैं कि किसानों की हर समस्याओं का समाधान करें। सरकार किसानों की भीड़ में जो अराजक तत्व हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। कांग्रेस व अन्य पार्टियां अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती हैं, उस पर नज़र रखे। सरकार किसानों के भेष में खाली स्थान से समर्थक आ रहे हैं, उन पर कार्रवाई करे। आज अखिल भारत हिंदू महासभा ने किसानों की समस्या को लेकर अपने कार्यालय से एक पैदल मार्च कचहरी प्रांगण तक निकाला और एक ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी महोदय को दिया, जिसमें हिंदू महासभा ने मांग की है कि किसानों की सभी जायज समस्याओं का समाधान होना चाहिए, क्योंकि किसान अगर यदि खुशहाल है तो देश खुशहाल रहेगा। किसान देश का अन्नदाता है तो उसे खुश रखना सरकार की जिम्मेवारी है, उसकी सभी समस्याओं का समाधान करना सरकार की जिम्मेवारी है। दूसरी हमारी मांग है कि किसानों के भेष में जो खालिस्तान समर्थक पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और कांग्रेस और अन्य कुछ पार्टियां किसानों के आंदोलन की आड़ में लेकर देश को गुमराह कर रही हैं, देश को बर्बाद करने की साजिश रची है, उनके खिलाफ भी सरकार को कुछ न कुछ एक्शन लेना चाहिए, ऐसी पार्टी पर तो प्रतिबंध लगा देना चाहिए। तो हिंदू महासभा केवल यही मांग करती है कि किसानों की समस्याओं का शीघ्र से निदान हो और उनके प्रमुख नेताओं को बुलाकर सरकार बातचीत करे और उनकी हर समस्या का पूर्ण रूप से समाधान करे। जय हिंद, जय भारत।